फाइनली अभी यहाँ पे हैं अक्षय कुमार सर के घर पे, ये उनका घर ही है जी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में हुआ, और मेरा घर जो है चांदनी चौक में है, परांठे वाली गली में। हेलो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं चांदनी चौक के परांठे वाली गली में, एंड उसका परांठा आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा है क्या है। एंड मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, तो मैंने तो सुना है कि उस गली में अक्षय कुमार सर का जन्म हुआ था, मतलब वो उनका घर है वहाँ पर उस वाली गली में। तो आज हम वही घर दिखाने वाले हैं, एंड कोशिश करूँगा कि उस घर के अंदर भी जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो चलो चलते हैं, एंड उसका परांठा टेस्ट करना है और उनका घर देखना है। तो चलो चलते हैं, उनका घर देखते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं परांठे वाली गली में, चांदनी चौक में, और ये रही मेरे सामने परांठे वाली दुकान। देखो आपको दिखाता हूँ। तो ये रही वो दुकान जो परांठे वाली गली की है, और ये 1889 की दुकान खुली हुई है, 1889। तो चलो इसमें चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी बाजी तो आ चुकी है, एंड करीबन करीब हमने 15-20 मिनट वेट किया, और जब जाकर हमारी बाजी आ पाई है भाई साहब। तो चलो भाई हम बैठते हैं, एंड यहाँ पे कुछ जो फेमस लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, ये दोनों फ़ोटो और भी फ़ोटो लगी हुई हैं। एंड हमने बुक किया, ऑर्डर किया है 80 रुपये का आलू पराठा और 80 रुपये का मिक्स पराठा, ये दो पराठा हमने ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे आ चुके हैं हमारी सब्ज़ी चटनी वटनी जो भी हैं सारी चीज़ें, एंड उसके बाद हमारे आ चुके हैं यहाँ पे पराठे। एंड पराठे मैं बता रहा हूँ कि बहुत छोटे लग रहे हैं मेरे को पराठे, इनकी मतलब साइज़ मेरे को बहुत छोटा लग रहा है। एंड आलू की सब्ज़ी, मीठी चटनी है, पुदीने की चटनी है, एंड ये सूखी आलू की चटनी है, और कद्दू की चटनी है, अचार, कद्दू का अचार है सॉरी। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं एक पराठे को एक एक बाइट से भी हर चीज़ टेस्ट करूँगा ना कि किससे अच्छी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं पराठे, तो एक पराठा भाई वैसे ही ख़त्म हो जाएगा भाई। तो 80 रुपये का मेरे को इसका साइज़ तो बहुत कम लगा, थोड़ा 80 रुपये में साइज़ थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। एंड अब इसका स्वाद लेके बताता हूँ कि कैसा पराठा है। अब बात आती है कि आलू के पराठे हैं कैसे। तो आलू के पराठे अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। पहले हमने खाया मिक्स पराठा, तो मिक्स पराठा थोड़ा सा चटपटा था एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाया आलू का पराठा, आलू का पराठा उतना चटपटा नहीं था, पर हाँ उसका भी स्वाद अच्छा था, एंड सारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी थी। और अगर मैं अपना बताऊँ कि अगर आप जाओ तो कौन सा खाना, तो आप खाना मिक्स पराठा। मिक्स पराठा मेरे को ज़्यादा बेटर लगा आलू के पराठे से। तो मस्त हमने प्लेट साफ़ करके तो हम निकल चुके हैं, यहाँ पे सब खा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी फेमस लोग आए हुए थे उनकी फ़ोटो लग रखी है। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं अक्षय कुमार सर के यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। एंड यहाँ से जब दुकान के सामने वाली गली से हमें जाना है, आगे चलते रहना है। अगर आप आओ तो किसी से भी पूछ लेना कि अक्षय कुमार सर का घर कहाँ है, तो आपको कोई बता देगा। हम शुरू से बाद में गलत रास्ते चले गए थे, फिर हमने पूछा एंड अब फिर हम सही रास्ते गए थे। तो चलो आपको दिखाता हूँ उनका घर। फाइनली अभी यहाँ पे हैं अक्षय कुमार सर के घर पे, ये उनका घर ही है, ये पूरा उनका घर है। तो बस इससे आगे अंदर जाने की अलाउ नहीं है, तो इतना ही मैं दिखा देता हूँ, और आगे देखो कि बाहर से कैसा दिखता है घर। तो ये रहा, तो मैंने पूछा कि अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अंदर जाना मना है, अलाउ नहीं है। और यहाँ पर भी अभी कोई रहता है, एक आंटी, बूढ़ी आंटी और एक अंकल रहते हैं, बूढ़े अंकल रहते हैं अंदर। तो अंदर जाना मना है, वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैं अंदर तो जा नहीं सकता, आपको बाहर से मैंने दिखा दिया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा घर है और गंदगी सी लग रही है अंदर, तो देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल पतली सी गली है बंद आगे से आते हुए, और इधर जाकर एक ये घर है, ये बहुत पतली गली है, बहुत ये वाला घर है। और थोड़ा अंदर से दिखाऊं तो आपको ऐसा है, सामने आंटी खड़ी हैं और ये ऐसा ही है। अभी तो मेरे को बस यही मिला है, और मेरे को जितना दिख रहा है ये आगे एक कमरा है, इधर ऊपर ऐसा है, और इधर एक कमरा है इधर। और अभी यहाँ पे एक आंटी थी, वो अभी यहाँ से गई हैं। तो चलो।
तो यहाँ पे अंकल मना कर रहे थे कि अंदर फ़ोन लेके मत जाना, मतलब वीडियो मत बनाना एंड अंदर तो वीडियो मैं बना नहीं सकता, बाहर से मैंने दिखा दिया और थोड़ा बहुत अंदर का भी मैंने दिखा दिया है। तो चलो अब कहीं बाहर कहीं और चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेमस जगह है। मैंने अभी पराठे वाली गली का पराठा खाया।